सम्मानित शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल KL Info by केश लाल सर में हार्दिक स्वागत है। हम सभी को कभी न कभी कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ती ही है, लेकिन प्ले स्टोर से जब हम ऐप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए क्या करें, यह हम यह वीडियो के माध्यम से समझते हैं। जब हम अपने प्ले स्टोर को ओपन करते हैं तो यहाँ से मैनेज ऐप एंड डिवाइस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 22 GB या 25 GB यूज्ड। अगर यहाँ पर डाटा कम होता है तो स्टोरेज की समस्या के कारण हम कोई नया ऐप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने मोबाइल में सेटिंग पर जाएंगे और सेटिंग पर यहाँ पर ऐप्स में क्लिक करेंगे और ऐप्स में यहाँ पर हम गूगल प्ले सर्विसेज, गूगल प्ले स्टोर, तो गूगल प्ले स्टोर से यहाँ पर स्टोरेज में क्लिक करेंगे और यहाँ क्लियर डाटा, क्लियर कैचे, ये क्लियर कर देंगे और यहाँ इस तरह से डाटा क्लियर हो गया। और इसके बाद हम गूगल प्ले सर्विस में भी स्टोरेज को यहाँ से क्लियर कर देंगे और इसके बाद हम अपने YouTube में जाएंगे, क्योंकि YouTube में डाटा ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ से भी स्टोरेज को क्लियर डाटा कर देंगे और क्लियर डाटा के बाद पुनः प्ले स्टोर में आएंगे और प्ले स्टोर में देखेंगे तो हमें ऐप डाउनलोड करने के लिए पर्याप्त डाटा उपलब्ध हो जाएगा और हम आसानी से कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, से अधिक शिक्षक साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।